आज का सेशन, थैंक यू लता जी, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले और एक लंबी गहरी श्वास लें और खाली करें। तीन बार ओंकार करेंगे, श्वास ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम खुशी, छोटी खुशी भी हमारे साथ जुड़ी है। नहीं, हम आपसे बातें करेंगे बाद में खुशी, ठीक है? हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ लोग अपना व्योमान करेंगे, सभी लोग गान करेंगे तो बहुत अच्छा, पर कम से कम जिनको पॉसिबल है वो अपना वीडियो ऑन करें। तो थैंक यू, ऐसे लगता है ना कोई सुन रहा है, तो बताने वाले का उत्साह बढ़ता है, नहीं तो ऐसे लगता है कि पर्दे के पीछे, काले पर्दे के पीछे न जाने कौन क्या कर रहा है। आप अपना काम भी चालू रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुपर फूड फॉर ब्रेन। दिमाग हमारा मेन पार्ट है, हमारे शरीर का होल्ड और सोल्ड, होल सोल्ड सब कुछ ब्रेन है। इसके लिए हम न जाने क्या क्या कुछ करते रहते हैं, इसको शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, है ना? तो हम आज देखेंगे कि इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें खानी है, वो चीजों के फायदे क्या है। अगर हम फायदे जान लेते हैं ना, तो हम उनको खाते हैं फिर। जब भी नॉलेज रहता है कि ये चीज के पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्यों खाना चाहिए उसको, तो हम उसको खाते हैं।
तो हमारा ब्रेन का कनेक्शन, डायरेक्टली कनेक्शन हमारे डाइजेशन से है, पेट से है, क्योंकि अगर हमारा पेट गड़बड़ रहता है तो हमारा दिमाग भी बराबर काम नहीं करता, बराबर ना बात। तो हमारे को हमें और कौन से दोषा हमारे ब्रेन को, ब्रेन के लिए काम करते हैं? हाँ, आयुर्वेदा में तीन दोषास हैं, वात पित्त और कफ। इनके अलग अलग कार्य हैं हमारे शरीर के लेवल पे, हमारे मन के लेवल पे, वो दिन रात हमारे लिए काम करते रहते हैं। पर हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान और उन हमारे शरीर को न संभालना, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो ये दोषास बिगड़ जाते हैं। और ये अगर काफी टाइम तक इम्बेलेंस में रहते हैं ना, तो हमारे हमें डिजीज होती है, बीमारी होती है। तो दोषास को समझना, उनके कार्य को समझना, वो इम्बेलेंस क्यों होते हैं, उनको बैलेंस में कैसे लाना है, इसके लिए आयुर्वेदा ने बहुत कुछ बताया है। पहले तो समझना है आयुर्वेदा चीज क्या है, हा? फिर दोषों को समझना, और अगर उनके अनुसार हम खाना खाते हैं, दोषों को बैलेंस करने के लिए हम अगर बराबर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो बैलेंस में रहते हैं। और दूसरा, मुद्राएं भी हैं, हमारे काफी सारे सेशन भी हो चुके हैं मुद्राओं के ऊपर, मुद्राओं से भी हम दोषास को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये इम्बैलेंस रहते हैं तो हमारी मेंटल स्थिति और हमारी इमोशनल स्थिति भी गड़बड़ होती है। जैसे देख, कुछ लोग बहुत काम करते रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं बैठते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बैठे ही रहते हैं, आलस रहता है, और कुछ लोग बहुत शार्प रहते हैं। तो अलग-अलग प्रकृति, हर किसी की अलग-अलग प्रकृति है, और आयुर्वेदा के अनुसार हर एक प्राणी यूनिक है, खुशी जैसा और कोई नहीं, है ना, वेरी स्वीट। तो ये दोषों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल वर्कशॉप है 3 दिन का, जिसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। नाम ही है होलसम, होलिस्टिक मतलब होलसम, जिसमें हम पूरा ज्ञान समझ लेते हैं। अगर किसी ने वात पित्त कफ को समझ लिया ना, मतलब उसने पूरा जीवन को समझ लिया। हम जनरल और ये दोषास के इम्बेलेंस के वजह से कैसे रिएक्ट करता है व्यक्ति, ये भी मस्त सुंदर तरीके से बताया गया है कि व्यक्ति क्या करता है। फिर हम शांत कर देते हैं खुद को, ठीक है ना, उसका ये इम्बेलेंस है। कभी कभी हम इरिटेट होते हैं कोई व्यक्ति से, फिर नुकसान किसका होता है, हमारा। तो ये आई ओपनर कोर्स है, वर्कशॉप है, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें बहुत सारा नॉलेज है विथ रेसिपीज। हम जंक फूड को भी कैसे कन्वर्ट करें हेल्दी चीजों से, पाव भाजी भी बनाएं तो हम कैसे इंग्रेडिएंट्स डालें ताकि हमारे घर में सब उसको पसंद कर सकें, और मसाले, स्पाइसेस और हर्ब्स को भी कैसे खाएं। और हम जनरली एक
टेस्ट खाते रहते हैं। किसी को मीठा पसंद होता है तो वो मीठा खाते रहते हैं, किसी को खट्टा पसंद है तो खट्टी चीज उनको पसंद है तो वो खाते हैं, किसी को तीखा पसंद है। तो ये एक टेस्ट खाने की वजह से भी हमारे दोषास इम्बेलेंस होते हैं। तो हमें अपने सभी टेस्ट को कैसे दिनचर्या में शामिल करना है, कैसे उसको खाना है, और कौन सी चीजों में ये 6 टेस्ट उपलब्ध हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और दूसरा, हमें खाना कैसे पकाना है, कौन से बर्तनों में पकाना है ताकि उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे। अगर हमने खाना सही तरीके से नहीं पकाया तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स किसमें चले जाते हैं, जो हम चीजें फ्राई करके, भून के, तल के पकाते हैं, तो फिर हम में क्या होता है, एसिडिटी, इनडाइजेशन, स्टमक ब्लोटिंग, और हम ज्यादा खा लेते हैं। कभी कभी टेस्टी चीजों को ज्यादा खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग की वजह से हमारा हमारा सब कुछ खराब होता है। तो इस कौन सा अल्कलाइन वाटर पिए ताकि ये जो सब है ना चीजें वो अच्छी रहे। फिर वो हमारा दोषा इम्बेलेंस होती है, कभी किसी का पित्त इम्बेलेंस हुआ फिर हेडेक होने लगता है, कभी किसी को गैस होने लगती है, ब्लोटिंग होती है, फिर डकार आती है, फिर वायु बनती है, फिर डिस्टर्बेंस होने लगता है, या तो सुस्ती होने लगती है, फिर हमें नींद करके उठते हैं फिर भी लगता है नींद हमें आ रही है। तो ये दोषास का समय भी रहता है, कौन से समय पे कौन से दोषा प्रोमिनेंट होते हैं, वो समय पे हमें क्या कार्य करना है, तो फिर हम अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं। अगर हमने अपनी शरीर के लिए खाना शुरू किया ना, तो फिर हमारा मन और शरीर दोनों एक लय में काम करते हैं और हमारी आत्मा ऊर्जावान बनती है। तो हम कौन सा खाना खाएं ताकि हमारी सात्विकता ज्यादा रहे और हमारा रजस और तमस कम हो और राजसिक और तामसिक भोजन क्या है, उनके गुण क्या है, सात्विक क्या है, सात्विक भोजन कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे बनाएं, किस मसालों से बनाएं ताकि वो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, दिखने में भी सुंदर हो। क्योंकि हम ना पंच इंद्रियों के साथ खाते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं और अपनी मुंह से खाते हैं, स्पर्श करते हैं अपनी हाथों से। तो पंच इंद्रियों के साथ हम खाते हैं तभी हमारा मन तृप्त होता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ कभी है हम जब भी हम पांचों आस्पेक्ट से ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली। तो ये कोर्स बॉडी, माइंड और सोल के लिए है, विथ रेसिपीज, बर्गर, पिज्जा और सैंडविच, ब्रेड भी हम कैसे घर में बनाएं, दूध और दही भी हम कैसे घर में बनाएं, कौन सी दोषास को क्या सूट होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जनरली हम बीमार पड़ते हैं तो लोग बोलते हैं ये खाना है वो खाना चाहिए, और ये नहीं मालूम रहता है कि हमें क्या नहीं खाना है। कहते हैं जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं, जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर बनता है, शरीर से मन बनता है, मन से हमारे विचार, भावनाएं, संस्कार और कर्म बनते हैं। तो ये कोर्स
26, 27, 28 नवंबर होने जा रहा है, शाम को 7 से 9। क्या लिखा है खुशी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ये 27, 28, 26, 27, 28 नवंबर होने जा रहा है, शाम को 6 से 9, 7 से 9, 2 घंटे। तो जिन लोगों को रजिस्टर करना है, हम लिंक डाल देते हैं, आप जरूर से रजिस्टर कर सकते हैं। और जिन्होंने किया है वो मैसेज को फॉरवर्ड कर दें, तो हमारी सेवा हो जाती है। किसी को कितना भी हम अच्छा अच्छा खिलाते हैं, फिर भी उसको 3 घंटे के बाद भूख लगती है, उसका पेट खाली हो जाता है। अगर हम किसी को अच्छा मार्ग दिखाते हैं और अच्छा नॉलेज उसको मिलता है हमारे थ्रू, तो वो हमें जीवन भर भूलते नहीं। ठीक है ना? तो आप जरूर से ये सेवा करना, क्योंकि सेवा, अगर हम सेवा करते हैं ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं। इतना आनंद आता है हमें सेवा करते। हम किसी अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप में मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, हमें नहीं मालूम कभी किसी का जीवन का सितारा चमकने वाला है, उसका जीवन बदलने वाला है। ये कोर्स जीवन को भी बदल देता है। मेरे जीवन को तो यू टर्न दिया इसने। खुद को भी कैसे हेल्दी रखें और घर वालों को भी कैसे हेल्दी रखें। ठीक है ना? हमारी चाबी किस घर की चाबी? महिलाओं के पास रहती है। हम जैसे चाहें वैसे हम बना सकते हैं चीजों को। और जिनको ज्यादा गहराई से समझना है तो ये टीचर बन जाए कोर्स के। जब भी हम सिखाते हैं ना, तो और गहराई से हमारे अंदर सब कुछ उतरता है। ठीक है, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सुपर फूड फॉर ब्रेन। तो हमारी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीजें देखेंगे और उसको खाएंगे। ठीक है ना? तो ब्लूबेरीज, पहला है सुपर फूड ब्लूबेरीज। ये क्या करती है? हमारे बहुत सारे हमारे शरीर में सिस्टम्स होते हैं, उनको हेल्थ प्रोवाइड करती है। और ये मेमोरी को इम्प्रूव करती है। आजकल हम बहुत कुछ भूल जाते हैं ना, कहीं क्या रखा भूल जाते हैं, कहीं किधर गए तो वहां पे कुछ चीजें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, तारीखें भूल जाते हैं। तो ये भूलना भी कौन से दोष इम्बेलेंस की निशानी है, ये हम कोर्स में देखेंगे। तो ब्लूबेरीज क्या करते हैं? हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, याददाश्त को ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लूबेरीज आर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज में ज्यादा होते हैं वो हमें खाने चाहिए। वो हमारे अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है? तो दूसरा है टर्मरिक, हल्दी। मोस्टली हल्दी तो हम कॉमनली यूज करते हैं अपने किचन में, चीजों में, दाल में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, पकाने में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रेन बैरियर है, और ये हमारे ब्रेन में एंटर होके हमारे जो भी ब्रेन के सेल्स है ना, उनको एक्टिवेट करता है,
और उसको बहुत फायदा देता है, उसकी कार्यशैली को बढ़ाता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हाँ, वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। तो उनको एक्टिव रखने के लिए क्या काम करता है? टर्मरिक, हल्दी। इट्स पोटेंट ऑक्सीडेंट एंड एंटी फ्लेमेटरी कंपाउंड डेट हैज बीन लिंक्ड टू द फॉलोइंग ब्रेन बेनिफिट्स। इसमें ऐसी चीज है, ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन के जो भी कार्य है ना उसको ठीक करता है। देखेंगे कौन सी कार्य को ठीक करता है। मेमोरी को शार्प करता है, इम्प्रूव अवर मेमोरी। और जो जिनको ज्यादा डिप्रेशन होता है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। हाँ, और जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं उसको रोकता है हल्दी। और ये जो भी ब्रेन में डेड सेल्स है ना उसको नष्ट करता है और नए सेल्स की निर्माण करता है, नए सेल्स का पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रहे हल्दी के फायदे। तो हम हल्दी का पानी भी ले सकते हैं सवेरे। अभी जैसे कोरोना काल में हमने देखा हल्दी का पानी गरारे की, हल्दी का पानी पिया, क्यों? क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी। और इम्यूनिटी ओवरऑल क्या है? जब भी हमारे सभी सिस्टम, डाइजेशन हमारा, एलिमिनेशन हमारा, ब्रेन, सब कुछ अच्छे से काम करे उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? वायरल को फाइट करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? हाँ, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने वाले कौन सी चीजें हैं? ये भी मस्त है कोर्स में। तो कोर्स जरूर करना, आप एक बार जरूर कर लो। अभी नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट ब्रोकली। ब्रोकली, ब्रोकली में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट, रिच इन विटामिन के, नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट गिव इट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट व्हिच मे हेल्प द ब्रेन अगेंस्ट डैमेज। ये डैमेज, ब्रेन डैमेज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इससे बचाता है। तो ब्रोकली भी कैसे खाना है, कब खाना है, कौन से दोषास के लिए, ये कोर्स में जरूर सीखना आप सब। नेक्स्ट है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स, भोपला के बीज। भोपला में हाई प्राणा है। हम एक दो दिन में व्हाइट पंपकिन के ऊपर टॉपिक लेने वाले हैं, आपको मैसेज आ जाएगा, तो मिस मत करिएगा। अभी पंपकिन है ना, उसमें बहुत प्राणा है, और पंपकिन के सीड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं। 27 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पंपकिन सीड में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छे हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। इसमें कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना तो हमारे शरीर में अलग-अलग ब्रेन की तकलीफें होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ठीक है, तो पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक है। अभी नट्स, बीज, ड्राई नट्स। ड्राई नट्स में वॉलनट है, पिस्ता है, कैशू नट है, आलमंड है। इनके अलग अलग कार्य हैं, मेनली वॉलनट और बादाम, आलमंड, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं।
वालनट में ओमेगा थ्री फैटी एसिड है और वो फैट अपने ब्रेन को के कार्य में कार्य को एक्टिवेट करता है। फैट भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो कौन से फैट हमें खाने हैं और कौन सी अवॉइड करनी है, ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। नट्स को भी कैसे खाना चाहिए, कौन से दोशास में खाना चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना है, ये भी जानकारी जरूरी है। नहीं तो हम नट्स सपोज आज सुन लिया वालनट खाना है, फिर हम बराबर मात्रा में नहीं खाते हैं तो भी फिर प्रॉब्लम। तो वालनट में क्या है, दो साइड है। एक वालनट को अगर हम तोड़ते हैं तो एक लेफ्ट है एक राइट है, और हमारे ब्रेन क्या है, दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। तो हमें वालनट खाने से हमारा अच्छे से काम करता है। ब्रेन का क्या काम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अच्छी अच्छी चीजें याद रखना और बुरी बुरी चीजें इसको और बाहर इलिमिनेट करना। तो हम खाते हैं ब्रेन जो नरे नरिशमेंट में काम करता है। और नट्स में ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ई है और हेल्दी फैट्स हैं। हेल्दी फैट्स क्या करते हैं, हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, कम डाउन करते हैं। जब भी हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बड़ा रहता है ना, अच्छा रहता है, तो हम हेल्दी होते हैं और हम हैप्पी होते हैं, हमारा हैप्पी हार्मोन बढ़ जाता है। दूसरा सुदर्शन क्रिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। सुदर्शन क्रिया करते हैं ना तो हमारे तीनों दोष बैलेंस होते हैं, हमारा हैप्पी हार्मोन बढ़ जाता है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसीलिए जो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मस्त रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों की मदद करते रहते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, सेवा करते हैं, फोन कॉल करते हैं। हाँ, तो क्योंकि उन्हें लगता है नहीं, मुझे जो फायदा हुआ है ना वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है ऑरेंजेस, संतरा। ऑरेंज क्या है, विटामिन सी है उसमें भरपूर मात्रा में और ये मेंटल की फैक्टर इन प्रिवेंटिंग मेंटल डिक्लाइन। हमारी मेंटल स्थिति इन्वॉल्विंग फोकस, मेमोरी, अटेंशन, डिसीशन, स्पीड। फोकस करने में मदद करता है, ठीक करता है, अच्छे से सुन पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं और हमारे डिसीशन लेने की स्पीड अच्छी होती है। जब हम विटामिन सी को इंटेक करते, इसमें ऑरेंज में है, लेमन में है, आंवला में है, तो हमें ये चीजें हाँ हेलो हाँ सॉरी हाँ नेट चला गया था। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे और इस एंटीऑक्सीडेंट है, जिस चीजों में एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, विटामिन्स है, हाँ वो चीजें हमें खानी चाहिए। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिससे फ्री रेडिकल निर्माण होते हैं, वो फ्री रेडिकल हमारे गट के लिए
अच्छे नहीं है, तो वो फ्री रेडिकल को नष्ट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें खानी चाहिए, जैसे मिलेट्स हैं, हाँ, तो ब्रेन के लिए फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट ये जरूर खाने चाहिए। और हमारा सरिता, डॉक्टर सरिता पाटिल का वेबिनार है मिलेट्स के ऊपर, तो मिलेट्स क्यों खाने हैं, क्या फायदा होता है उससे, पूरा साइंटिफिकली उन्होंने वेबिनार में समझाया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है वो अपना नाम और नंबर डाल दें तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे काफी सेशन हो चुके हैं सुपर फूड फॉर थायराइड, सुपर फूड फॉर वुमेन, सुपर फूड फॉर वेट लॉस, रेसिपीज मिलेट की, मिलेट चाट, बहुत सारे हैं। तो हम डालते रहते हैं इंट्रो ग्रुप्स में, तो आप इंट्रो ग्रुप्स कभी नहीं छोड़िए क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियोस उसमें मिलता है। कहते हैं ना ये एक पिक्चर है, इंट्रो सेशन एक पिक्चर है, ट्रेलर है, और पिक्चर कहाँ पे है, कोर्स में। तो पिक्चर जरूर देखना। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, जो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। और विटामिन सी हमारी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अल्जाइमर डिजीज, ये डिजीज़ को रोकता है। ठीक है, हाई विटामिन सी क्या करता है, ब्रेन को फ्री रेडिकल से बचाता है। तो हम अगली ना टिप्स देखेंगे, ठीक है, हम टिप्स देखेंगे। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम फराड़ बनाते हैं, हाँ, तो मैं ना एक रेसिपी शेयर करूंगी, आप वो बना लेना, जिनको पसंद आए वो बना लेना, हाँ, तो आप बने रहिएगा रेसिपी सुनने के लिए, हम सरप्राइज रेसिपी बताएंगे, ठीक है, जो खाने से ना हम मस्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, और हमारा वो जो बनाते रहते हैं ना फरार, उसकी भी तृप्ति हो जाएगी। तो फरार को भी हम कैसे रिप्लेस करें, दिवाली में कौन सी हेल्दी चीजें बनाएं, अभी दिवाली का समय है, नहीं तो हम कोर्स रखने वाले थे, अभी एक रीसेंट कोर्स का समय, लोग बोलेंगे हम तैयारी करते हैं, घर साफ करते हैं, कलरिंग करते हैं, मार्केट में जाते हैं नए नए कपड़े लेने, तो आप दिवाली एंजॉय करो फिर कोर्स कर लेना, तब तक हमारे इंट्रो सेशन चालू रहेंगे। अभी हम टिप्स बताएंगे, 5 टिप्स टू कीप अवर ब्रेन हेल्थी, ठीक है। पहली है एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, स्ट्रेचेस है, ये क्या करते हैं, हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं, इसीलिए हम पूरा दिन मस्त रहते हैं, स्वस्थ है। दूसरा, और कहते हैं हम अगर 1 या 1.5 घंटा खुद को देते हैं ना डेली, तो हम ना हमारा पूरा 23 घंटा इतना मस्त जाता है, हम किसी से भी अच्छे से डील कर सकते हैं, अपने इमोशन को काबू रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम अच्छी चीजों को जोड़ देते हैं ना, अच्छी हेल्दी चीजें खाते हैं, तो हमें नींद भी अच्छी आती है और हम चैलेंजेस को स्वीकार कर पाते हैं, दूसरों को मदद कर पाते हैं, अपने घर में अगर कोई अस्वस्थ हुआ, किसको कुछ तकलीफ हुई, तो उसको भी ठीक कर पाते हैं। तो अगर हम 1-1.5 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। दूसरा, हमें बराबर स्लीप लेना है, प्लेंटी ऑफ स्लीप, 7
6 और 8 घंटे की बराबर स्लीप, और स्लीप भी कैसी लेनी है, रात की स्लीप। सब रात को 10 से सवेरे 4 बजे की जो नींद होती है ना, वो परफेक्ट होती है। ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन करना, रोज ध्यान करना, श्री श्री गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी के आवाज में गाइडेड, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है यूट्यूब में, तो डेली 1-2 मेडिटेशन तो जरूर करें। और हमारी ब्रेन हेल्थ को ठीक करने के लिए जो स्लीप है वो बहुत अच्छा काम करती है, और हमारे दोषास को भी मेंटेन रखती है। अगर हम कम स्लीप लेते हैं तो हमारे वात और पित्त इम्बैलेंस रहते हैं, फिर वात और पित्त इम्बैलेंस रहने से फिर हमारा बिहेवियर भी इम्बैलेंस हो जाता है, फिर हमारे रिश्तों में कड़वाहट होती है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हाँ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये कोर्स ना रिश्तों में भी मधुरता लाता है, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। ठीक है। दूसरा है, मेंटली एक्टिव रहना है। तो मेंटली एक्टिव रहने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमने आज सुनी वो खाएंगे। दूसरा, सोशली हमें एंगेज रहना है, सोशली एंगेज रहना है, कुछ ना कुछ सोशल समाज के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे हम कर रहे हैं। बहुत सारी बिजी लाइफ है, मुझे भी बहुत सारी सफाई करनी है, जेनी को भी बहुत सारा देखना है, फिर भी उन्होंने मैसेज बनाया, फॉरवर्ड किया, तभी हम आपके सामने अभी आए। हा? और दूसरा, समाज सेवा और अच्छी अच्छी चीजों को खाना, ईट हेल्दी फूड स्टफ्स, नो बेकरी प्रोडक्ट्स, और फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड्स को खा सकते हैं, वॉलनट और बादाम। ये तीनों चीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड है, जो हमारे शरीर के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए, मेमोरी को शार्प करता है। ठीक है। और हम एक्सरसाइज करेंगे, आंखों की एक्सरसाइज भी ब्रेन को रिलैक्स करती है और ब्रेन को शार्प करती है। त्राटक है, एक ही जगह देखना है हमें, 5 जितना भी आप देख सकते हो, तो ये भी मेमोरी को शार्प करता है और हमारा फोकस रखता है, किसी भी चीज में हमारा फोकस रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारा काम हो, हर चीज के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, फोकस और रिलैक्स माइंड। तो हमें क्या करना है, हेल्दी चीजें खानी है, और दूसरा सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, ये सब कुछ करना है। अभी हम रेसिपी शेयर करते हैं। तो हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हैं। मैं ना हाँ लिस्ट बता सकती हूँ, ब्लूबेरीज, टर्मरिक, ब्रोकली, पंपकिन सीड, नट्स, ऑरेंजेस, और कुछ भी है वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, और भी ब्रेन के सुपर फूड फॉर ब्रेन है। ठीक है। और उसमें मैंने ओमेगा-3 फैटी एसिड को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, क्या है वो चीज, उसको समझेंगे हम। ओके, तो हम रेसिपीज देख लेते हैं अभी। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स हैं हमारे पास, तो हम खजूर लेंगे,
और अंजीर लेंगे, उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, अंजीर और खजूर, और ड्राई नट्स लेंगे जैसे आलमंड है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, इनको दरदरा पीस लेंगे, और दरदरा पीस लेंगे और उनको काट लेंगे अच्छे से, हर घर और उनको अलग से धीरे धीरे ग्राइंड करना है, माना मिक्सर को बंद चालू करते रहना है, बीच में खोल के वो किन सीड बताया, वैसे चार मगज में मिलता है हमारे ग्रोसरी शॉप पे। चार मगज कौन से हैं? पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स और कुकुम्बर सीड, मस्कमेलन सीड, वाटरमेलन सीड, तो ये मगज सब सीड्स है ना, उसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लो, हल्का सा कोर्सली, ठीक है। फिर इसमें ना हम छोटे छोटे टुकड़े इसके डालेंगे, किशमिश और मनुका के बारीक बारीक काट के डालेंगे। अभी ये हमारा ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो गया और हमारे अंजीर और बादाम, अंजीर और खजूर भी ग्राइंड हो गए। हाँ, अंजीर और खजूर के साथ हम एप्रिकाट भी डाल सकते हैं, एप्रिकाट को भी काट लो, उसका जो सीड है उसको ग्राइंड कर लो बादाम के साथ, और बादाम और ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई नट्स के साथ, और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के अंजीर और उसको भी हल्का सा ग्राइंड कर लो, फिर अभी मिक्स कर लो उन सबको। फिर इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे, देसी गाय का घी। कैसे डालेंगे? उसको हल्का सा गरम करेंगे, हल्का सा गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे जितना वो बाइंडिंग के लिए चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर इसके छोटे छोटे लड्डू बना लो और उसको खसखस पापी सीड्स में डिप पापी सीड्स में डिप कर लो, तो मस्त, इतने सुंदर दिखने में सुंदर लगते हैं और हेल्दी भी, टेस्टी भी, नो शुगर और ना भुनना ना कुछ, हेल्दी। इसमें आप ना कोकोनट भी ऐड कर सकते हो अगर फ्रेश खा रहे हो तो, अगर गीला वाला कोकोनट होता है ना जिसकी हम चटनी बनाते हैं, वो भी ऐड कर लो, या अगर आपको रखना है थोड़े दिन तो क्या करेंगे, दो तीन दिन बस, हाँ उसमें खोबरा डालो, डेसिकेटेड कोकोनट, उसका चूरा करके डाल सकते हैं, मस्त लगता है, हम चू करके खाते हैं, नहीं तो फिर दूसरे लड्डू हम कैसे खाते हैं, खाते जाते हैं, शक्कर की मात्रा रहती है उसमें, हाँ, तो शक्कर भी वाइट पॉइजन है और ब्रेन को डैमेज करता है, स्लो पॉइजन है, और शक्कर क्यों नहीं खाना है और शक्कर के रिप्लेसमेंट में हमें क्या खाएं, ये भी एक सुंदर टॉपिक है शुगर का, होलिस्टिक कुकिंग में, कुकिंग कोर्स में, ठीक है। तो ये हुई हेल्दी रेसिपी, ये आप बनाओ अपने दिवाली के फरार में, और दूसरी भी मैं बताऊंगी रेसिपी, मुझे ध्यान में आई तो, ये मैंने एक बार बनाई थी अपने घर में, और ये ना, ये जो रेसिपी मैंने शेयर की ना, वो सबको ही खा सकता है, जिनको जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, वो भी खा सकती है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके बच्चे को भी सब कुछ मिल जाता है, एक लड्डू वो अगर रोज खाती है ना,
बहुत ही अच्छा है। हाँ, हेल्थी उसका किड पैदा होता है। और दूसरा जो दूध देती है, मैं जिनका छोटा बच्चा है तो उस दूध को भी बढ़ाता है ये लड्डू। तो और सबको ही खा सकता है, हेल्दी लड्डू है। ठीक है, हो सका तो मैं दूसरे भी बताऊंगी दूसरे सेशन में। और ब्रेन के लिए दूसरे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। अभी आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। और जिन मिलेट का वेबिनार सुनना है, हाँ मिलेट क्यों खाना है, क्योंकि मिलेट है ना अल्कलाइन है, और अल्कलाइन और हमारा ब्लड है ना वो भी अल्कलाइन है, तो जरूर सुनना वो वेबिनार कि वो क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में जाके, और कैसे बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक सभी चीजों को, हार्ट डिजीज को ठीक करता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 मिनट है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जिनको भी कोई सवाल है तो। हाँ, ये कोर्स का पोस्टर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, खुशी चली गई। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया है, इला मंडल। मैडम, वो जो हाँ लड्डू बोलिए में बोलिए। आपने आपने बोला ना, लड्डू लड्डू के ऊपर बाहर से पापी सीड लगाने के लिए बोला। ओके, एक्चुअली पापी सीड के आप फ्राई करके लगाओ ना, ऐसा कच्चे में लगाने का। हाँ जी, नहीं, कच्चा कच्चा लगाना है, अच्छा कच्चा ओके ठीक कच्चा। है। आप हाँ, फिर चीजें हाँ फिराए चीजें भी खानी है नहीं खानी है ये हम सब हाँ, कोर्स में देखेंगे। हाँ, फिराए लड्डू चीजें लड्डू मैडम, कौन से लड्डू दोषों कोई भी को टाइम पे खा इम्बेलेंस सकते करती हैं है। ना, लड्डू टाइम नहीं ना, कुछ कैसा खाने का, कुछ टाइम नहीं हाँ, ना, कुछ नहीं कभी खा सकते। अच्छा ओके, थैंक यू, जय नहीं, कभी भी गुरुदेव। खा सकते हैं आपने। हाँ, जय गुरुदेव। आप कोर्स कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी ये टाइम पे टाइम नहीं मिला, अभी लास्ट जो टाइमिंग डाला था ना, मैं एक्चुअली हाँ मुंबई में रहती हूँ, रिसेंट मैं बेंगलोर में आई, तो टाइम नहीं, हाँ उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया। तो अच्छा नेक्स्ट अच्छा टाइम पे देख लूंगे। अभी बेंगलोर में ही रहने का 2-3 महीने। ठीक है आप। हाँ जी हाँ हाँ ठीक है, आप अपना जी नाम नंबर डाल दो, हम आपको मैं मैसेज भेजेंगे, आपको कन्वीनियंट होगा तो कर लो आप एनरोल। हाँ हाँ ठीक है, खुशी खुशी आपको बात करना है, खुश खुशी। एक मिनट में आपको अनम्यूट।
हाँ नीनू जी, मैं आपको भी अनम्यूट करती हूँ। हाँ बोलिए खुशी। नो मैम, कैसे हो? डे टू। हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन, वेरी गुड। हाँ आप कहाँ से हो खुशी? छत्रपति जाली वाली चौराहे की। क्या? विंचालीन डाली वाली तो रही थी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आपकी एज क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? अनम्यूट कर दिया। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो, हम नीनू जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ बोलिए नीनू जी। 12 गुरुदेव दीदी, ये रेसिपी में आपने ड्राई फ्रूट्स के साथ आलमंड, पिस्ता और भी कुछ नाम लिया था चारे मगज को छोड़ के, और चारे मगज में पम्पकिन, सनफ्लावर, मस्क एंड वाटरमेलन सीड्स और भी कुछ है, और किशमिश के साथ भी आपने एक और नाम लिया था, वो सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार और। हाँ, खजूर और अंजीर और एप्रिकट, तीनों को छोटे छोटे टुकड़े काट के 20 निकाल दो और फिर उनको पीस लो। पीसने के टाइम कैसे पीसना है, मिक्सर को बंद चालू करना है, नहीं तो वो निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो फिर और दूसरा आलमंड्स, पिस्ता, कैशू नट, वालनट, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, इन चारों को पीस लो दरदरा दरदरा। और चार मगज है ना, चार मगज को भी हल्का सा पीस लो, और किशमिश और मनुका उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लो। फिर मनुका इज हनी कर लो और उसमें, अच्छा मनक्का नहीं, मनुका काला, हाँ गॉट इट, मनक्का, हाँ मनक, हाँ वो काली द्राक्ष, उसको फिर उसमें ना घी डाल दो, देसी गाय का घी डाल दो जितना बाइंड करने के लिए लगता है। अगर घी को रिप्लेस करना है तो आप देसी केटेड कोकोनट पीस के डाल सकते हो। अगर आपको फ्रेश खाना है तो फिर नारियल डाल दो, जिसकी हम चटनी बनाते हैं। जी ठीक है ना, क्या है वो गीला रहता है तो वो टिकते नहीं है ज्यादा। अगर डेसिकेटेड कोकोनट खाते हो और डालते हो तो वो थोड़ा टिकता है थोड़े दिन। फिर लड्डू बना के गोल शेप दे के फ्राई करना है उसको, ऐसे ही कच्चा ही जैसे मिलते हैं, फिर उसको रोल करके उसमें स्प्रिंकल कर दो लड्डू के ऊपर। तो ये बन गए हमारे लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू। जी दीदी, वो आपने बताया कि ये जब अंजीर, डेट्स और एप्रिकॉट पीसना है तो ग्राइंडर को पहले चला के रखना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा, राइट? हाँ थोड़ा बंद चालू करो ना, मतलब वो ऐसे लोचा ना हो जाए ना, फिर आपको फिर प्रॉब्लम ना हो निकालने में। आप बनाएंगे बंद चालू नहीं करते हैं कभी हम कोई चीज को, हमें थोड़ा ही पीसना है तो फिर कैसे करते हैं, बंद चालू करते हैं मिक्सर तो पीस जाता है। हाँ ऐसे मिक्सर का मतलब कैसे, हर किसी का अपना रहता है ना, कोई फास्ट रहता है, हाँ अपने हिसाब से वो ध्यान दो। फिर क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ये चीज तो मैं कभी नहीं। तो चीको बनने भी थोड़ा हमें पेशेंस और सावधानी रखनी होती है। नहीं दीदी, आपने बाकी सब चीजों का नाम लिया, विटामिन्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, नट्स का,
फ्रूट्स का, लेकिन कैल्शियम भी सुपर फूड है क्या ब्रेन के लिए? हाँ सुपर फूड है ना, बताएंगे ना हम आगे नेक्स्ट सेशन में। ओके मैंने बोला ना और भी है इंग्रेडिएंट्स। जी दीदी थैंक यू सो मच। हाँ आपको पिक्चर देखी होगी, इमेज जो डाला है उसमें और भी है ना, हम उस पे फिर और कभी बात करेंगे। जी दीदी ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच, वेलकम। ठीक है तो हम एंड करते हैं आज का सेशन। हाँ फिर मिलते हैं जल्दी, कल हो सका तो कल मिलते हैं, जैसे ही हमें कन्वीनियंट हुआ हम फिर से मिलते हैं। और लोगों को भी फॉरवर्ड करिए मैसेजेस। हाँ ठीक है, बाय, थैंक्स सबको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।